नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समय और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल टेक्निकल समय। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी टेक्निक बताएंगे जिससे आप अपने सादा घास वाले कूलर को हनीकॉम में बदल सकते हैं, वो भी मात्र 1500 रुपये के खर्चे में। तो दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या है कि ये वीडियो पूरा देखना है और ध्यान से देखना है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं हनीकॉम पेड़ के बारे में। हनीकॉम पेड़ आपको आसानी से 1800 रुपये में मिल जाएगा साइज के हिसाब से। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं मतलब बड़े साइज में, तो आपको यह लगभग 1000 रुपये का मिलेगा। अगर थोड़े छोटे साइज में खरीदते हैं, अगर आपका कूलर छोटा है, तो लगभग आपको ये 800 रुपये में मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको करना क्या है, अगर आपका 3 पल्ले वाला कूलर है घास वाला, जो उसके 2 पल्ले हैं साइड वाले, उनको आप ग्रीन सीट आती है मतलब जिससे हम छाई के लिए लगाते हैं अपने पार्क वगैरह में, उसको लीजिए और उसके साइज की उसको कटवा कर उस पर सेट कर दीजिए। और दोनों तरफ आपकी वो लग जाएगी, उससे हवा वहाँ से रुक जाएगी। और पीछे वाला जो पल्ला है उसको आपको क्या करना है, वेल्डिंग वाले के पास लेके जाना है, और उसमें जो जाली आती है, जाली दोनों साइड से लेकर, और उसी साइज का मतलब जो हनीकॉम पेड आता है जैसे जितना साइज उसका आता है, उस साइड का दोनों तरफ वेल्ड करवा लीजिए और बीच में उस हनीकॉम पेड को डाल दीजिए, और ऊपर उसके एक नाली बनवा लीजिए जिसमें वो पानी गिरेगा। ये लगभग 400-500 रुपये में आपको मतलब जो वेल्डिंग वाला होता है वो इसे तैयार करके दे देगा पल्ला, मतलब उस पल्ले को लगाइए और आपका कूलर हनीकॉम में बदल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने कूलर को, घास वाले कूलर को हनीकॉम में बदल सकते हैं और चिल्ड हवा ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब कर लिया तो साइड में जो नोटिफिकेशन बेल का आइकन है उसे दबा के क्लिक करें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक तुरंत पहुंच पाए और आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।